हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि एक सकारात्मक साइकोलॉजी है। अभी अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वर्च्यू दैट इनेबल द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टू थ्राइव। पॉजिटिव साइकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी होती है स्ट्रेंथ की और वर्च्यू की। हर एक इंसान में अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, जैसे क्रिएटिविटी हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब स्ट्रेंथ हो गया। वर्च्यू मतलब काइंडनेस, लव, ऑनेस्टी, विजडम, कंपैशन, ये हो गया वर्च्यू के बारे में। पॉजिटिव साइकोलॉजी को मार्टिन सेलिगमैन ने 1998 में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। उनका मेन फोकस इस पर था कि हैप्पी प्लस मीनिंगफुल लाइफ। साइकोलॉजी को अभी तक ऐसा देखा जाता था कि मेंटल इलनेस की स्टडी करना, उसे समझना, थेरेपी काउंसलिंग तैयार करना, ट्रीटमेंट देना, निगेटिव ट्रेड्स को ठीक करना, लेकिन साइकोलॉजी बस मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करना यही तक सीमित नहीं है। पॉजिटिव साइकोलॉजी मेंटल डिसऑर्डर को तो ठीक करेगी ही। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मेन फोकस इस पर है कि इंसान के अंदर पहले से जो स्ट्रेंथ है, स्किल है, उसे और बेहतर करना, इन्हांस करना, जिससे इंसान खुद से मिल सके और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। जब हमें हमारे स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है, तब हम हमारे बेस्ट वर्जन को एक्सपीरियंस करते हैं। जो काम आपको पसंद आता है वो काम आप करने लग जाते हो, तभी तो आपकी अपने आप से मुलाकात होती है। और ऐसी खुद से मुलाकात रोज करते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश कीजिए, क्योंकि नफरत करने के लिए दुनिया बहुत छोटी है। फ्रेंड, यही पॉजिटिव साइकोलॉजी में बताया है कि हमें हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए और जो भी वीकनेस है उसे ओवरकम करना चाहिए। यही था अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का कंसेप्ट। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।